आपके हाथ अगर थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, तो भी समझ लेना चाहिए कि कुछ न कुछ आपके अंदर बहुत बड़ी खराबी हो गई है। उस पे जूते मारने का इलाज सबसे अच्छा है। कल एक साहब आपने देखा होगा कि वहां कहने लगे कि माता जी मैं एकदम जड़ हो गया, फिर मेरे सामने आके यूं करने लगे। उनसे मैंने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है, तो कहने लगे कि भागवत साहब है पुणे में। तो मैंने कहा वो क्या करते हैं, कहने उन्होंने एक स्पिरिचुअल वो बनाया हुआ है, साई स्पिरिचुअल सेंटर, और वो उन्होंने मुझे दीक्षा दी। मैंने कहा दीक्षा क्या दी, ये हिलने की दीक्षा दी। कहने मैंने 16 साल में बीमारियां उठाई, मेरी नौकरी चली गई, ये हो गया वो। मैंने कहा तुम्हारी अक्कल नहीं है, पर तुम्हारे गुरु है तो तुमको ऐसा होना नहीं थी। कितने रुपए दे, अभी तक 5-6 हजार रुपए दे चुका हूँ सेंटर। मैंने कहा अच्छा 5-6 हजार रुपए से दे करके सारी बीमारियां तुमने अच्छे से मोल ले ली। फिर उसको भूत को उसके जो भागवत साहब थे उनको जूते मारे, और वो जो दूसरा उनका सेंटर था उसको भी जूते मारे, तब उनका हाथ ठहरा और ठीक। ये तो आप ही के सामने कल हुआ था, बहुत से लोग वहां थे। उनसे साफ साफ बात कर लेनी चाहिए कि आपको कोई ना कोई गुरु है, आपके अंदर कोई ना कोई बाधा है, आपके अंदर कोई ना कोई गर्व है, उसमें कोई बुरा मानने की बात। इतना उनको मेरा महत्व है, उनकी समझ में नहीं आता कि किस तरह से मेरे आदर को पूरा करें। इस पर बड़ा आश्चर्य होता है कि वो इस चीज का इतना महत्व समझते हैं और अपने प्रति अत्यंत उदासीन है, अपने पीछे डंडा लेके लगे हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप अपने को जूते मार सकते हैं आपके ऊपर जो बाधा है उसके लिए। मैंने 108 का वो 3 बार 108 में मारते हैं, जहां चांस मिलता वो अपने को मारते रहते हैं। हमसे कहने लगे कोई गालियां सिखाओ, हम अपने को देना चाहते हैं, ये हम ही खराब है। कोई इंडिविजुअली बात करते, कभी मैंने देखा नहीं किसी की शिकायत या किसी के बारे में कोई बात, अपने ही को कहते और दूसरे के बारे में यही कहते कि वो इतना बढ़िया आदमी कि हमें अपने पर लज्जा आती, वो कितना बढ़िया, हम तो अपने पर शर्मिंदा।